हाँ तो भैया ये देखो, ये ठेका खुला हुआ है, जिसे जो लेना है ले लो, ठीक है। My heart seen things I wish it didn't. Somewhere I lost some of my innocence and I miss it. I miss it. Stay up all night thinking. तो भैया ये कैमरा है ना, ट्राईपोड थोड़ा ख़राब हो गया है, तो ये ट्राईपोड नीचे को चले जाता है, इसके स्क्रू सब ढीले हो गए हैं, बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं गोरिल्ला पॉड अभी सोच रहा हूँ ख़रीदने की। तो अभी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, तो यहाँ पर अभी लॉकडाउन का सीन ऐसा है ना, 3 दिन या 4 दिन बढ़ गया, और अभी आगे का नहीं पता आगे कितना लॉकडाउन बढ़ेगा, तो जुगाड़ करना पड़ रहा है, तो इसे मैं फिक्स कर लेता हूँ पहले। यार ये टाइट करना पड़ता है ना, तो उसके नीचे कुछ लगाना पड़ता है। अभी मैं नीचे से बेल्ट नहीं लाया, अभी तो बेल्ट लगाता हूँ, कैमरे की बेल्ट लगाता हूँ मैं, और ऐसे ही नीचे टहलता रहेगा, बिल्कुल गिरता रहेगा बार बार, बस जाएगा। यार ये 100-200 रुपए के ट्राइपॉड का, तो जब भी आप सोचो ना लेने की, तुम मत लेना, कभी भी मत लेना। 2 दिन चलेंगे, बस उसके बाद ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। Be kind of reckless while I can. Say I don't give a damn, but I'm older than I am. I could get hurt and get some scars to prove it. Just say the hell with my plan. तो भैया ये ट्राइपॉड तो हमसे नहीं हो पाया सही, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे पड़े रहेंगे, इसको फेंक देंगे साइड में, ठीक है। बहुत बार मैंने ट्राई किया, गया देखा, वापस आ गया, नहीं हो पाया, कभी मन नहीं करा, कभी कुछ नहीं करा, ऐसे बहुत रीज़न हुए मेरे साथ। तो अभी मैं इस 2 मिनट के लिए बैठा हूँ कुछ काम करने के लिए, तो मैंने सोचा यार आज बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं बनाया, तो ब्लॉग बना लेते हैं। और ये रैकेट है मेरा, तो मैं रैकेट शाम को खेलता हूँ रोज़। तो यार कॉक नहीं मिल पा रही अभी लॉकडाउन में, बहुत जगह कॉक ख़त्म हो गई है, तो यार इसका हम इसका ना ये अर्जा पुर्जा सब टूट गया है, ये ऐसे हो गई है पूरी, इतनी बुरी तरह खेलते हैं हम, ज़्यादा अच्छा नहीं खेलते पर खेल लेते हैं कैसे भी। तो ये कब हो गया बेकार, इसका हम ये निकाल लेंगे और ये नया इसमें फिट कर देंगे, ठीक है। ये होता है जुगाड़, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है अभी। और ये हो गया है फिक्स, ठीक है। अब ये हो गई कॉक रेडी, हमारा रैकेट है, और इस रैकेट से ऐसे मारेंगे हम, ठीक है, इस रैकेट से। तो हाँ भैया अभी जाने हैं थोड़ी देर में बाहर, ठीक है, 5 बजे टाइम है, 5 बजे का काम है कुछ, तो 5 बजे जाएंगे और आपसे मिलेंगे। और गाइस बहुत अच्छा प्यार दिया आपने मेरी वीडियो को, जो इससे पहले वीडियो डली है, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। और पहाड़ी सॉन्ग है, और मैंने पहली बार ट्राई किया वो चीज़, और वो पक्का 100% मतलब बहुत अच्छी बनी है। आप जैसे कमेंट कर रहे हो, जैसे आप देख रहे हो, जैसे व्यू आ रहे हैं, जैसे लाइक आ रहे हैं, तो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को, तो ऐसी वीडियो को प्यार देते रहो। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, जाके देखो। और मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। हाँ तो भाई लोगों, हमने अपना जुगाड़ बना लिया है ब्लॉग करने का, और गोप्रो मतलब होता ना गोप्रो, लोग यहाँ लगाते हैं हेलमेट में, पर मैंने यहाँ लगाया नीचे, और अभी धूप आ रही बहुत तेज चमक रही है, तो मैंने जो सीन लगाया वो ये लगाया है, अभी गोप्रो टेप से पूरा चिपकाया मैंने, और इसका टेस्ट जब देखे देखते हैं अभी कैसा आता है, क्वालिटी कैसे आती है, कितना वाइब्रेट करता है, वो क्वालिटी देखते हैं। और ये लगा दिया है मैंने स्टैंड, और यहाँ पर फ़ोन फिट हो जाएगा, ठीक है, तो फ़ोन को फिट करता हूँ फटाफट इस पर, और चलते हैं एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव में, और बाहर का दिखाऊंगा आपको कैसा कैसा चल रहा है अभी लॉकडाउन में, कितना सन्नाटा हो रहा बाहर, ठीक है, वो दिखाता हूँ आपको, और कितने लोग नियम फॉलो कर रहे हैं। चलो फिर तो भैया ये हो गई है आपकी स्ट्रेट रोड, और ये प्राइवेट कर रहा है, तो ये प्राइवेट को थोड़ा सा भी कंट्रोल करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। तो भैया अब हम चल पड़े हैं, मास्क हमने लगा लिया है, और फुल स्पीड में निकलते हैं यहाँ से, और ऑयल गिर गया तो भैया नुकसान हो सकता है। तो भैया इतना बड़ा रिस्क लेके आपको मैं ब्लॉगिंग दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और एम करते हैं इस वीडियो पे यार 1000 एम का करते हैं, 1000 लाइक एम करते हैं इसमें, और ऑयलर कैसा होता है। और अभी आप देख रहे हो रोड पे थोड़ी सी चहल पहल तो है, लोग आ रहे हैं अपने अपने काम से या कहीं से, तो आ रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, और मोबाइल बहुत वाइब्रेट कर रहा है यार, गिर गया तो बड़ा नुकसान होगा। तो यार मैं सोच रहा हूँ जेब में रख लूँ या बैग में रख लूँ वापस, ये सक्सेसफुल नहीं है। ये प्लेन रोड पे ज़्यादातर इसके लिए बेटर है, और प्लेन रोड यहाँ पर देखो भैया काशीपुर में तो है ही नहीं, कोई भी रोड ऐसी नहीं है जहाँ भी प्लेन रोड हो। तो कुछ करना पड़ेगा जुगाड़, एक और दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। या मैं सोच रहा हूँ हेलमेट में टांग लूँ यार, है ना, हेलमेट में सही रहेगा, पर हेलमेट में जुगाड़ होता हो यार। जो मेरे पे हेलमेट है वो आपने देख लिया ब्लॉगिंग में, तो इस हेलमेट में काम हो जाएगा या नहीं होगा वो आप बताओ, ठीक है। अगर इसमें काम हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ यार कैसे कर सकता हूँ मैं। और कोई अगर वीडियो आपकी नज़र में है जिसने ऐसा जुगाड़ करा है तो प्लीज़ यार मुझे भेजो, मुझे लिंक भेजो, ठीक है। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। और अभी तो बहुत सुनसान है, ये एरिया बहुत भरा रहता था, और कोई ये सामने देख सकते हो यहाँ पर ना, और रोडवेज भी चल रही है यार, लोग कह रहे हैं नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, रोडवेज भी चल रही है, सामने चल रही है। और यहाँ पर पूरे मोमो मोमो के ठेले लगते हैं, वो सब बंद पड़े हुए हैं, और ये रोडवेज प्राइवेट रोडवेज भी बंद पड़ा है। सब कुछ अभी सुनसान है, मतलब दो तीन पब्लिक तो घूम रही है नॉर्मल, ज़्यादा पब्लिक नहीं घूम रही है। और अभी रोड वे जाने ने बहुत दूर उड़ा दी, चश्मा नहीं पहन रखा मैंने। और भैया देखो यार सीधी सी बात है, मैं डर रहा हूँ मेरा मोबाइल ना गिर जा गई, अभी भी ठीक कराया है, और अभी टूट गया तो फिर भैया नुकसान बहुत तगड़ा हो जाएगा। और जैसी क्वालिटी आ रही है यार, ये मुझे तो नहीं लग रहा अच्छी क्वालिटी आएगी, बहुत वाइब्रेट कर रहा है कैमरा। और हम चलते हैं मेडिकल सब खुले हुए हैं, अगर मेडिकल का उसको लगता है, हाँ भैया मेडिकल है। नींबू पानी वाला ठेला खड़ा है भाई, और एक कुत्तों का हॉस्पिटल, जो भी कुत्तों का दवाई ववाई का सीन रहता है वो भी खुला है। तो ये चीज़ है भैया, सब खुली हुई है, और ये कभी भैया खचाखच भरी रहती है, जाने की जगह नहीं मिलती। पर आज देख लो भैया, आज जगह खुली हुई है, पूरी रोड खाली है, मैं तेज भगा सकता हूँ। पर यार ये जो मोबाइल हमने बनाया है ना जुगाड़, ये वाइब्रेट कर रहा है बहुत, और ये वाइब्रेट नहीं करना चाहिए, इसका जुगाड़ दूसरा करना पड़ेगा। My life's been survival of the fittest, but I did it. हाँ तो भैया ये देखो, ये ठेका खुला हुआ है, जिसे जो लेना ले लो, ठीक है। और देखो भैया ये गलत बात है यार, ठेके खुल रखे हैं, दुकानें नहीं खुली पर ठेके खुले हैं यहाँ पर। तो भैया यहाँ से हमारी ब्लॉगिंग शुरू होती है दूसरी, और ये चीमा चराया है अभी, और आप देख सकते हो मैं हैंडल नहीं घुमाऊंगा, कल दिखाने चक्कर में मैंने हैंडल घुमा दिया हुआ है, मेरा 43 हुआ, तो बहुत बेकार हो जाएगा सीन। तो भैया ऐसा हो रहा है यहाँ पर लॉकडाउन, मेडिकल खुले हुए हैं, ठेके खुले हुए हैं, लोग थोड़ा सा बाहर घूम रहे हैं, पर सब ने मास्क लगाया है, ठीक है भैया, और बहुत अच्छा मतलब फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर लोग, और रिक्शे वाले भी रिक्शा चला रहे हैं। यार देखो यार कमाने के लिए कुछ कुछ करना पड़ेगा, तो वो कमाने के लिए यहाँ पर लोग रिक्शा चला रहे हैं, और कोई कोई पैदल जा रहा है। फैक्ट्री ऐसे ऑन है, फैक्ट्री यहाँ चल रही है, काम फैक्ट्री में काम चल रहा है, बाकी सारी दुकानें बंद है, आप देख सकते हो। और भाजी तो भैया ये सीन हो रहा है यहाँ पर अभी, और भैया ये आ गया सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में भैया पब्लिक है, तो थोड़ा सा यहाँ केस वेस या चेकअप वेकअप चल रहा होगा, उसके लिए भी यहाँ पर चल रहा है। देख लो कितनी हालत बेकार चल रही है, अच्छी चल रही है, बहुत कम भीड़ है, और यहाँ पर नगर पालिका वाले नाली वाली सब साफ कर रहे हैं, इनको भैया सलूट करो, इनके लिए तालियां बजाओ। यही है जो भैया देश को बचा रहे हैं और अपने काशीपुर को बचा रहे हैं, ठीक है। और भैया केस यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, अभी ऐसे 24-25 लोग और मिले हैं कोरोना के। तो भैया आप अपने घर में रहो प्लीज़ यार, जो भी वीडियो देख रहा है बाहर मत घूमो, बिना मास्क के तो जाओ मत। कोई भी घर में आता है तो भैया कहो, कोई बंदा बाहर से आता है तो प्लीज़ यार बताओ उन्हें, ठीक है, पुलिस वालों को बताओ या अपने आसपास लोगों को बताओ, उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन रखो, ठीक है। तब तक उनकी रिपोर्ट ओके नहीं आती तब तक उन्हें उनके पास नहीं जाना, और अपनी भी सेफ्टी करो। मतलब यार जो भी है मैं आपको क्या बता सकता हूँ, जितना मैंने बता सका मैं उतना बता दिया आपको मैंने, और अपनी अपनी सेफ्टी करो।
सेटलमेंट में कुछ जुगाड़ हो सकता है तो बता दो यार प्लीज कमेंट करके। और मुझे थोड़ी अच्छी नहीं हो रही भैया, बताऊं नॉकडाउन जब से हुआ है, 21 दिन का जब नॉकडाउन हुआ था तब से मैंने बाल नहीं काटे ना दाढ़ी शेव करी है, तो ये थोड़ा शेव करके और गांव का टूर बना रहा हूँ, तो चलेंगे ना, आपको भी लेके चलूंगा। और बस इतना ही था भाई आज के लिए, ये खाली टेस्ट करना था हमारा ये जुगाड़ कैसा है। भैया ये जुगाड़ तो निकला बेकार, दूसरा जुगाड़ देखेंगे, कुछ एक जुगाड़ सोचा है मैंने, ठीक है बताया जैसे आपको मैंने बताया वही सीन है। और वीडियो लाइक करनी है आपको एंड में जाके, और बाय बाय, ठीक है मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चलो। ये अच्छे वाले।